बस अरे आप लोगों को कुछ सुल्तान की कभी नहीं भूलेगा। लग रहे हैं इस लड़के कोई क्यों मुंह लगाएगा इसे? छोड़ो इसे, छोड़ो। गार्ड्स, भूल नहीं है कि मैं सुल्तान हूँ। लोग को अपने पास रख लेता, तुम जा सकते हो, जाओ। लोग तरसते हैं मुझसे बात करने के लिए। बहन को संभाले, बकवास बंद करो अपनी। जिसे दिमागी बीमारी है इलाज उसका होना चाहिए। सुल्तान जहां अपनी माँ से सरूद को ये कहलवाता है कि सुल्तान को बच्चे पसंद है, लेकिन असरा इसके लिए तैयार नहीं। वही सुल्तान एक बार फिर असरा के घर आता है उसे ले जाने के लिए। इस बार सनोबर उसे उसका असल चेहरा दिखाती है, ये कहकर कि असरा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और सनोबर उसे घर से धक्के देकर निकालता है, लेकिन वह असरा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। सनोबर उसे रोकता है और असरा नीचे गिर जाती है। सनोबर सुल्तान को जहां घर से धक्के देकर निकालता है और उसे ये कहता है कि मैं अपनी बहन को रख सकता हूं, तुम्हें आइंदा आने की ज़रूरत नहीं। सुल्तान अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेने वाला है? क्या वो असरा को तलाक देकर सर्वर को ब्लैकमेल करेगा, या फिर सुल्तान का बुरा वक्त शुरू हो चुका है? देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। शुक्रिया।